हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट बनना है वो किस तरह से बनेगा, किनको बनाना है, किस तरह से सबमिट करना है, किस रेंज में बनेगा और उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, किन किन को बनाना है, यह कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मित्रों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल का सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों? चलिए देखिए मित्रों, यह जो प्रोजेक्ट है आपका, इसका नोटिफिकेशन आपको मिला है 24/1/2023 को, यानी फिलहाल का ही है, ठीक है? अब सबसे पहले मैं आपको लास्ट इसकी डेट बता दूं कि कब तक आप इस प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो प्रोजेक्ट अपलोड करने की जो अंतिम तिथि है वो है 31 जनवरी 2023, ठीक है? 31 जनवरी 2023 तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह जो प्रोजेक्ट है वो किन किन को बनाना है, तो देखिए विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट में कौन कौन हिस्सा ले सकता है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट में विद्यालय प्रमुख यानी प्राचार्य जो होंगे, ठीक है, प्रधानाध्यापक, इसके बाद पदस्थ शिक्षक जो शिक्षक गण होंगे, शैक्षिक अधिकारियों द्वारा अपने अपने विद्यालयों की कक्षाओं में किए गए शैक्षिक नवाचारों, मतलब आपके द्वारा जो बच्चों को सिखाया गया है, प्रैक्टिकल कराया गया है, उनकी स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास में जो भी आपने तरीके अपनाए हैं, ठीक है, जो भी आपने किया है, प्रैक्टिकल किए हैं, प्रोजेक्ट बनवाए हैं, तो उन्हीं को में से आपको जो है अपने खुद के कुछ प्रोजेक्ट बनाकर आपको सबमिट करना है, साझा करना है, जिसके आपको प्रोजेक्ट को भारत सरकार या आपके विभाग के अन्य मित्र भी उसको देख सके, ठीक है? यह कहाँ अपलोड करना है तो मैं आपको बता दूं, यह जो प्रोजेक्ट है आपको दीक्षा ऐप पर अपलोड करना है 31 जनवरी 2023 से पहले पहले, ठीक है? अब चलते हैं हम और डिटेल में। इसको मैं एक बार आपको और पढ़ के बता दूं कि देखिए नवाचारों अंतर्गत विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपने विषय आधारित सह शिक्षा पद्धति, खेल खेल में सीखना, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर विभिन्न नवीन गतिविधियों का प्रयोग, अभिनय, कला, संगीत आदि को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 5 मिनट, यानी आपके पास मैक्सिमम 5 मिनट का आपको ऐसा वीडियो बनाना है, ठीक है? अपना जो प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है उसके 5 मिनट का आपको प्रोजेक्ट जो है वीडियो बनाना है, अधिकतम 5 मिनट का, ठीक है? मैक्सिमम यानी 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है? और मिनट और 2 MB का वीडियो बनाकर दीक्षा ऐप पर वीडियो बनाने वाले का की स्वयं की आईडी से ही अपलोड किया जाना है। और आप जो दीक्षा पर जो आपका अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे वो आपकी खुद की जो है आईडी होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए और इसमें हम डिटेल जान लेते हैं कि और इसमें आपको क्या दिया गया है। बच्चों दोस्तों देखिए देखिए विद्या अमृत महोत्सव क्या है, ठीक है, इसको हम जान लेते हैं कि विद्या अमृत महोत्सव क्या है, ठीक है? तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना 2020 अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के तत्वाधान में शाला प्रमुख, ठीक है, शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के लिए जो भी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य दीक्षा ऐप प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट के रूप में अपने नवाचारों को सभी के साथ साझा करें, जिससे उनका और यूज हो पाए, वो सब कोई देख पाए, जिससे, ठीक है? विद्या अमृत महोत्सव जो है कौन कौन प्रोजेक्ट में भाग ले सकते हैं, तो इसमें आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो शाला प्रमुख है, शिक्षा अधिकारी है, शिक्षक है, शिक्षक गण, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित कर्मचारी है वो सब, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि आप इसमें कर क्या सकते हैं, ठीक है? तो देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट में आप सभी शाला प्रमुख और जो भी इसके अंतर्गत आते हैं प्रोजेक्ट बनाने वाले, वो अपने अपने विद्यालयों में कक्षाओं में किए जा रहे शैक्षिक नवाचार अंतर्गत विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सह शिक्षा पद्धति, खेल खेल में सीखना, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर विभिन्न नवीन गतिविधियों का प्रयोग कर अभिनय, अभिनय मतलब आप जानते हैं नाटक, एक्टर, एक्टिंग, कला, आर्ट, संगीत आदि को सम्मिलित करते हुए प्रोजेक्ट आप इसमें बना सकते हैं। कोई भी साइंस का भी आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, देखिए चलते हैं और इसमें क्या डिटेल दी गई है आपको। जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे मित्रों उसमें क्या करना है आपको, देखिए मैं बता दूं आपको, विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट की समय अवधि क्या होगी। तो देखो
सभी अपनी मोबाइल में दीक्षा ऐप डाउनलोड या अपडेट कर। यदि आपके मोबाइल में जो दीक्षा ऐप है वो कई दिनों से या कई पिछले कई महीनों से डाउनलोड कर रखा है आपने, तो उसको आप अपडेट कर लें, ठीक है। और अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लें। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर डालेंगे दीक्षा ऐप, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और वहीं से आपको इंस्टॉल करके अपनी प्रोफाइल आईडी बनाना है। उसमें जैसे ही आप इंटर करेंगे, है ना, इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, तो आपसे पूछेगा कि आप किस बेस पे आप लॉगिन करना चाहते हैं। आप एक विद्यार्थी हैं या एक शिक्षक हैं, तो प्लीज आप उसी को सिलेक्ट करें कि आप एक शिक्षक के तौर पर जो है आप इस ऐप का यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो शैक्षिक नवाचारों के आधार पर अधिकतम 2 MB से 5 मिनट का वीडियो बनाकर आप प्रोजेक्ट को 31 दिसंबर तक, जो है 31 जनवरी तक, इस ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट अपलोड करने के बाद राज्य स्तर पर मूल्यांकन कर 15 प्रोजेक्ट का चयन किया जाएगा। जैसे आप मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं, तो टोटल 15 प्रोजेक्टों को सेलेक्ट किया जाएगा, और उनमें से सर्वश्रेष्ठ 3 प्रोजेक्ट का राज्य द्वारा NCERT नई दिल्ली को भेजा जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको क्या दिया गया है, अब आपको कहा गया है कि जो शिक्षक गण है ना, अभी केवल शिक्षक गण, मतलब जो शाला प्रमुख, प्रधानाचार्य या हेडमास्टर हैं उनके लिए नहीं, केवल शिक्षक गणों के लिए आपसे बोला गया है कि कैसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा दीक्षा ऐप, ठीक है। फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं ये इस यू ऐप का यूज करना चाहता हूँ टीचर, है ना, शिक्षक के तौर पर। स्विच टू ट्राई दीक्षा ऐप एक्सपीरियंस, अब आपको कहाँ बटन दबाना है, ट्राई दीक्षा ऐप एक्सपीरियंस पर, ठीक है। फिर स्क्रॉल डाउन नीचे आइए, फिर आपको ब्राउज द अदर कैटेगरी, अदर कैटेगरी में आपको क्लिक करना है। इसके बाद करना है क्या, क्लिक द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो आपको एक प्रोजेक्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक द प्रोजेक्ट अंडर, अब कहाँ आपको क्लिक करना है, तो देखो इसमें लिखा होगा असाइन टू मी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। असाइन टू मी की पर क्लिक करने के बाद आपको एडिट द प्रोजेक्ट नेम, है ना, अब आपको प्रोजेक्ट नेम भरना है, उसमें ऑब्जेक्टिव एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, करना है। एड डिलीट टास्क रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट द टास्क, एड इमेजेस, लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट टू द प्रोजेक्ट। फिर आपको क्या है, कंप्लीट द टास्क में आपने अगर इमेज के फॉर्म में दिया है प्रोजेक्ट अपना, तो उसमें भी, या फिर आपको लिंक के फॉर्म में अगर आप प्रोजेक्ट बनाया है तो, या फिर आपने वीडियो या किसी अन्य के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाया है, तो वहाँ पर आप अपनी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। आगे चलें तो इसके लिए आप शाला प्रमुख, मतलब जो प्रधानाचार्य जी, हेडमास्टर महोदय जी हैं, उनके लिए इसमें कहा गया है कि डाउनलोड द दीक्षा ऐप, दीक्षा ऐप को पहले डाउनलोड करें। आई होप कि आप सबके पास तो होगा ही, ठीक है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट HT, है ना, हेड टीचर, ठीक है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेटअप योर प्रोफाइल पर प्रोफाइल बनाना है, आप अपना नाम लिखते हैं, जो भी आपको, जो भी आपकी जानकारी है उसको फिल करें। सेलेक्ट प्रोजेक्ट टाइल फ्रॉम होम पेज, होम पेज से ही आपको प्रोजेक्ट टाइल पर क्लिक करना है, और वहां पर क्लिक द प्रोजेक्ट टाइल पर क्लिक करें। इसके बाद क्लिक द प्रोजेक्ट अंडर असाइन टू मी, और सेम एज वेल एज उसमें जैसा आपने पिछली बार देखा शिक्षकों के लिए, सेम टू सेम इसमें भी आपको उसी तरह से फॉलो करते जाना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करके डाल देंगे। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर दोस्तों।